आज यहाँ पे बच्चों की फौज देख रहे हैं, पूरे जम्मू कश्मीर के बच्चे यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं। जो फिफ्थ यूटी चैंपियनशिप सॉफ्ट टेनिस की हो रही है, इसके बारे में यही कहना चाहूँगी, ये सॉफ्ट टेनिस में नहीं बल्कि हर एक इवेंट जो रजिस्टर्ड है स्पोर्ट्स काउंसिल के साथ, हमारे कैलेंडर प्रॉपर होता है, ईयरली कैलेंडर, जिसमें हमारी डिस्ट्रिक्ट एक्टिविटीज़ होती है जिसको हम डोमेस्टिक भी बोल सकते हैं, उसके बाद फॉलो होता है फिर यूटी चैंपियनशिप, नेशनली साइमल फिर हमारा नेशनल आ जाता है। तो इस तरह से आज हम यहाँ देख रहे हैं सॉफ्ट टेनिस, यहाँ पे इन्होंने 3 दिन का ये प्रोग्राम रखा हुआ है। तो नेशनली यहाँ डिस्ट्रिक्ट खेल के इस चैम्पियनशिप में जो पार्टिसिपेट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे वो जो बेस्ट वन होंगे, जो इनके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, मतलब गोल्ड सिल्वर एंड ब्रॉन्ज, वही बच्चे फिर नेशनल पार्टिसिपेशन के लिए चले जाते हैं। कुछ बच्चों का कहना है कि जो इनके डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर उनको कोर्ट नहीं, उनको श्रीनगर आना पड़ता है प्रैक्टिस के लिए, तो क्या कुछ है? बिल्कुल बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। एक्चुअली ये देखिए आप, जिस तरह से हमारे पास बिल्कुल कम करीब J&K पूरे J&K में इंफ्रास्ट्रक्चर था, लेकिन आज की डेट में अगर हम देखेंगे हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक जिले में कहाँ कहाँ प्ले फील्ड्स नहीं है, कहाँ कोर्ट्स नहीं है, कहाँ इंडोर हॉल्स नहीं है। अभी रिसेंटली आप देखो बहुत सारे इंडोर हॉल्स इनॉग्रेट हुए J&K में, कुछ बाकी भी है। तो इसी तरह से गवर्नमेंट इस चीज़ के पीछे है कि बच्चों को वो फैसिलिटी मिले जिसके वो हकदार है, जो उनको मिलना चाहिए, क्योंकि टैलेंट की कमी है नहीं हमारे जम्मू कश्मीर में। अभी देख रहे हैं आप पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में हमने जिसके लिए कोर्ट बनाया साउथ में, तो हम सेंट्रल में भी है, यहाँ पे भी है, इस तरह से इंशाल्लाह हमारा नॉर्थ में भी बन जाएगा। तो मुझे नहीं लगता अभी हम पीछे हैं कहीं पे। बहुत सारे ऐसे गेम हैं जो अभी भी जो पीछे हैं, जिनके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हुआ। फॉर एग्जांपल आप बताइए, जैसे अभी भी हॉकी जो है वो काफी, देखिए हॉकी के लिए मैं आपको, ये तो हर एक जानता है कि पुलवामा में हमारा टर्फ ऑस्ट्रो टर्फ लग गया, वो बहुत जल्दी इनॉग्रेट होगा साइड बाई साइड। दूसरा हमारा यहाँ पोलो ग्राउंड में काम चल रहा है, उस पर वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर कमिंग ईयर में बिल्कुल बहुत जल्दी वो भी इनॉग्रेट होगा। अभी मैं समझ रही हूँ कि हम कहीं पीछे नहीं है इस चीज़ से। जो बख्शी स्टेडियम अभी जो काम, बख्शी स्टेडियम में काम चल, देखिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था ये, चूँकि नेशनल कंपनी के पास था, ये स्टेट के पास नहीं था, तो नेचुरली काम में टाइम लग ही जाता है, और सीज़न की वजह से भी मैं समझती हूँ डिले हो सकता है।